और आइए अब नजर डालते हैं राजधानी पर, जहां पिछले कुछ दिनों से अपराधियों ने खाकी की नींद उड़ाई हुई है। कहीं फायरिंग, कहीं अपहरण और अब बदमाशों के निशाने पर एटीएम। शायद बदमाशों की सोच यहां होती है रातों रात अमीर बनने की, और अपने इन्हीं नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए वो करते हैं गुनाह। एक रिपोर्ट। राजधानी में वारदातों का दौर थमा नहीं, लगातार जारी है। फायरिंग, अपहरण, चोरी और अब बदमाशों के निशाने पर एटीएम। वो एटीएम जहां एक साथ होती है लाखों की नकदी, और इस बार राजधानी के दो अलग अलग इलाकों में बदमाशों ने 24 घंटे में बनाया दो एटीएम को निशाना। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। राजधानी के कर्णी विहार इलाके में रात करीब 2:30 बजे दो बदमाश यहां पहुंचते हैं, और फिर यहां मौजूद कार्ड को बंधक बना लिया जाता है और कोशिश की जाती है यहां लूट की। एटीएम को भी तोड़ दिया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी लॉक नहीं टूटने की वजह से यहां बदमाश कामयाब नहीं हो सके। हालांकि अब पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। गार्ड ने बताया कि करीब 1:15 बजे के आसपास दो लड़के आए, और दोनों में से एक लड़का है उसने मेरे को पीछे से पकड़ने की कोशिश की। पीछे से पकड़ करके उसने मेरे को कंट्रोल किया, मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको मुंह से उसको काट खाया, तो उसकी ग्रिप ढीली हुई। उन्होंने मारपीट करने की कोशिश की। इसके साथ में एटीएम का शीशा है उसको सरिये से उन्होंने तोड़ दिया, और चेस्ट के नीचे जो कवर था उसको भी सरिये से हटा दिया, और वो कोशिश कर रहे थे उसको हटाने की, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से छुटा करके भाग करके मैंने बाहर जाकर अपने बच्चों को और कंट्रोल को मैंने फ़ोन किया। और अब बात संजय सर्किल इलाके की, जहां शाते ने एटीएम पर निशाना साधा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, और कुछ मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक देर रात करीब 12 बजे पुलिस गश्त के दौरान पीएनबी के एटीएम में एक युवक कुछ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया, जिस पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिससे पुलिस उसे थाने ले आई और उससे गहन पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि ये शख्स पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, और एक साल पहले भी इसी एटीएम को लूटने के प्रयास में गिरफ्तार किया जा चुका है, और अभी कुछ दिनों पहले ही 8 महीने जेल में रहकर बाहर पहुंचा है। एटीएम में अंदर प्रवेश किया हुआ था, और उसका जो एटीएम का नीचे का दरवाज़ा होता है जहाँ पर कैश रखा रहता है, उसका फ्रंट वाला पोर्शन वो खुला हुआ था, और ये उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा था। तो इसमें गश्ती दल जो रात्रि में थे उन्होंने उसको चेक किया, और उसका उसमें वजह पूछी, उसमें ये अंदर प्रवेश करके उसको खुला खाली करने की, तो कोई संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाया। तो फिर ध्यान में आया कि ये वही व्यक्ति है जिसने पिछले साल भी अटेम्प्ट किया था। राजधानी में महज 24 घंटे के भीतर दो एटीएम तोड़ने के प्रयास किए गए और उनको लूटने का प्रयास किया गया। सीकर हाउस स्थित पीएनबी बैंक के एटीएम को भी जहां तोड़ा गया, और वहां पर आरोपी भी हालांकि पुलिस की सजगता की वजह से गिरफ्तार हो पाया। यहां पर हम ढावास गांव में स्थित हैं, ये एसबीआई का एटीएम है, इसको भी पूरी तरीके से दो युवकों ने तोड़ा और गार्ड के साथ भी मारपीट की। युवक पूरी तरीके से तैयारी से आए थे, और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी किसी तरीके का उनकी फुटेज नहीं मिल पाई है। अभी सिर्फ
जो कयास हैं उसके आधार पर ही पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से बदमाश एटीएमओ को निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। गार्ड के मौजूद होते हुए भी एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। कैमरामैन नरेंद्र के साथ अभिमन्यु सिंह, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।